चले चले जल्दी मन किया जाए। देखिए जब बातें की जाती है ना लाइफ बनाने की, लाइफ तभी बन पाएगा जब आपका एक कोई गोल होगा, आप चाहे जिस सब्जेक्ट से होते हो, किसी भी फील्ड में अपना लाइफ बनाना चाहते हो ना, तो उसके लिए एक जुनून जज्बा आपका काम करता है और करने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। ये नहीं है कि आज हमने ये काम कर लिया तो ला भाई आराम कर लेना, कंटिन्यू उसमें लगातार लगे रहिए तभी आप कहीं बेस्ट रिजल्ट पाएंगे। जिस तरह से एक लड़का क्वेश्चन किया, सर कोई सेट है इक्वल टू एम एन पी, तो तुम्हारे सेट है वो भी क्या करता है? देखो इसमें भी तुम्हारा मोटिवेशन छिपा हुआ है। मोटिवेशन से कुछ काम उनको नहीं करता है जब तक आप जो है बेटर कहीं कॉन्सेप्ट लगाएंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंटों की देख लेते हैं, कितने एलिमेंट है, यानी इक्वल टू 3 है। और जब हम लोग सब सेट की बात कर देते हैं ना, सब सेट दैट मीन्स 2 पावर n, तो यहाँ पे n कितना है 2 ऑफ द क्यूब, दैट मीन्स 8। तो यहाँ पे मीन्स पावर ऑफ पावर है, चाहे विदाउट पावर है, तो वो चीजें आपके अंदर तभी आता है ना जब आप कुछ कर पाते हो। तो 2 पावर दैट 3, पावर आपका तभी बढ़ेगा ना जब कुछ बन जाएंगे, कुछ हासिल कर लेंगे ना, तो यस पावर पावर। कई शब्दों में इसको अर्थ लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पढ़ाई आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज वेल। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए हम सभी को जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता रहता है, उसी तरह अपने माइंड में याद रखें कि आपकी पढ़ाई के लिए, आपको लाइफ सफल बनाने के लिए आपका नॉलेज बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। तो इसलिए एकदम लगे रहिए मन से, जो नहीं आ रहा पूछिए, हम लोग आपके लिए तैयार हैं। ठीक है, बताया जाएगा। तो ये चीज़ ठान लें और मन से पढ़ाई करें, टाइम नहीं रह गया है, बस 20-25 दिन रहे हैं, तो एकदम तोड़ दीजिए, एकदम आगे निकल जाइए कि कोई भी आपको कंट्रोल करना चाहे ना कंट्रोल नहीं कर पाए। तो चलिए ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू, फिर आगे हम लोग बात करते हैं।